कुएं में मिली गुमशुदा की लाश। नशे में गला दबाकर हुई हत्या, एक की कुएं में डूबने से मौत। मामला 27 जनवरी का है, जिसमें वादी रामवीर सिंह पुत्र हरप्रसाद निवासी ग्राम बकैनिया ने थाना पटवाई पर आकर सूचना दी कि उसके भाई हरवंश और उसका दोस्त जगत सिंह पुत्र पूरन का शव छेदालाल के खेत के पास बने हुए कुएं में मिला है। इस संबंध में थाना पटवाई पर वादी रामवीर सिंह की सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 20/20 धारा 302/201 भादवी बनाम अमर सिंह, राम सिंह, जयवीर और उमेश पंजीकृत कर लिए गए। शुक्रवार को एएसपी अरुण कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डबल मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि थाना पटवाई रामपुर की पुलिस ने 4 लोगों को नया गांव बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अमर सिंह ने खुलासा किया कि मृतक हरवंश और जगत सिंह दोनों गहरे मित्र थे और उनकी पुत्री की शादी हो जाने के बाद उसके घर जाते थे। 25 तारीख की रात से थाना पटवाई क्षेत्र के बकैनिया गांव के 2 युवक हरवंश और जगत गायब थे, इनके परिजन ढूंढ रहे थे। 26 तारीख को गांव की ही एक लड़की ने लगभग शाम के समय एक कुएं के पास इनके जैकेट पैंट आदि देखे तो उसने सूचना दिया, जिस पर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस पहुंची तो कुएं में दोनों की लाश मिली, जिसे तत्काल निकाला गया, जिला अस्पताल भेजा गया। दोनों मर चुके थे, इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ। फिर मृतक हरिवंश के परिजनों की ओर से एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था और हत्या का मोटिव हरिवंश का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग बताया गया, जिसकी शादी होने के बाद भी उसका वो पीछा करता था, जिसके प्रतिशोध में यह हत्या की गई। 4 अभियुक्तों को पटवाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाएगा। इस अभियोग में अभी विवेचना के कुछ और पहलू बाकी हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे विवेचक, जैसा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, कि इसमें कुछ एक लोग और शामिल हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी और साक्ष्य पूरे होते हैं और अगर हमारा शक सही साबित होता है तो आगे फिर हम आपको अन्य तथ्यों से अवगत कराएंगे। फिलहाल अभी तक की विवेचना से ये नामजद 4 लोगों के विरुद्ध साक्ष्य हैं, हत्या का मोटिव स्पष्ट है, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतक हरवंश से उनकी पुत्री के साथ संबंध थे। अमर सिंह ने बताया कि मेरे लाख समझाने के बाद भी मृतकों ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने 25 जनवरी के दिन दोनों को खेत पर बने कुएं पर बुलाया। दोनों ने पहले से ही शराब पी रखी थी और कुछ शराब हम लोगों ने भी पिलाया। दोनों को ज्यादा नशे में देख हम लोगों ने हरवंश का गला दबाकर दोनों को कुएं में धक्का दे दिया और कुएं में गिरने की वजह से दोनों की मौत हो गई। रामपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।